ओम शांति। 20 अप्रैल की शुरू में आप सबका स्वागत है। परमात्मा कहते हैं कि पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर पवित्र जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भवा। तो कई बच्चों को पवित्रता के मेहनत में मेहनत लगती है, इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। किसी ने कुछ आपको दिया हो लेकिन आपने उसको अगर स्वीकार नहीं किया, उसको यूज़ नहीं किया, तो आपने वो लिया नहीं है, उसके बराबर होता है। उसी तरीके से परमात्मा ने पवित्रता का वरदान दिया, हमने उसको स्वीकार नहीं किया, डाउट किया, और उसको अगर हमने कबूल नहीं किया, उसको यूज़ नहीं किया, उसको व्यतीत नहीं किया उस जीवन को, तो उस वरदान को हमने लिया नहीं। वरदान में मेहनत नहीं होती। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान है पवित्र भव, योगी भव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं, तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार, निजी संस्कार है। इसी स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, मेहनत से मुक्त बनो। तो परमात्मा कहते हैं जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं, तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार है कि हर बच्चा जन्मते ही कुछ ना कुछ संस्कार लेके पैदा होता है, मतलब कि पिछले जन्मों की आदतें लेकर के। उसी तरीके से परमात्मा कहते हैं जैसे तुम ब्राह्मण जन्म लेते हो, वैसे तुम्हारे जो ओरिजिनल आदि संस्कार होते हैं, वो जो निजी संस्कार होते हैं, वो पवित्रता के होते हैं। इसी स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ। ये याद रखो कि मेरा जो जन्म हुआ है वो स्पिरिचुअल जन्म है और मुझे पवित्रता में जितना हो सके रहना है। मेहनत से मुक्त बनो। ओम शांति।